Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic. अगर आप सोचते हैं कि हाई हील फुटवेयर का जन्म 20th सेंचुरी में हुआ तो आप भी गलत हैं। पर हाल ही में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को कोलकाता से 35 किलोमीटर दूर चंद्रकेतुगढ़ में कुछ ऐसी चीजें मिली हैं, जिनसे ये साबित हो गया कि हमारे पूर्वज लगभग 200 BC से ऐसे फुटवेयर पहनते आए हैं जिनमें हाई हील और फ्लोरल डिजाइन का यूज होता था। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की वेशभूषा के बारे में कुछ और जानने। चाहे वो चाइनीज लोटस शूज हो, जापानीज ओकोबॉस हो, रोमन ग्लैडिएटर्स हो या फिर इंडियन मोजरीज, स्टाइलिश फुटवेयर की चाहत बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। पूरी दुनिया में अलग अलग सोसाइटीज ने अपनी वेशभूषा के जरिए अपने कल्चर का प्रदर्शन किया है। हमारे कल्चरल बिलीफ, वैल्यूज और सभ्यताओं की झलक हमेशा से हमारी वेशभूषा में दिखी है और फुटवेयर भी हमारी वेशभूषा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इंडिया में फुटवेयर का इस्तेमाल वैदिक काल से होता आ रहा है। 130 BC से 185 AD तक फैले कुषाण काल और 320 AD से 550 AD के बीच फैले गुप्ता काल के सिक्कों और पेंटिंग्स में फुटवेयर का इस्तेमाल देखा जा सकता है। पुराने समय में फुटवेयर बनाने में ज्यादातर लकड़ी, पेड़ों की छाल और मेटल का यूज किया जाता था। एंशियंट टाइम्स में फुटवेयर को उपनह और पादुका कहा जाता था। उपनह एक तरीके के स्ट्रैप्ड सैंडल्स और जूते थे जिन्हें घास और लकड़ी जैसी चीजों से बनाया जाता था और इन्हें ज्यादातर व्यापारी और आम लोग ही पहनते थे। वहीं दूसरी ओर पादुका एक सिंपल प्लेन लकड़ी का पट्टा होता था जिसके ऊपर एक नॉब होती थी जो अंगूठे और अंगूठे की बगल वाली उंगली के बीच में फंस जाती थी। इन्हें ज्यादातर धर्मगुरु और भिक्षुक ही पहनते थे। इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर में पैरों का एक खास महत्व है। हिंदुओं में अपने बड़ों के पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लेना और देवी देवताओं के पैरों की पूजा करना एक आम बात है और हिंदू माइथोलॉजी में यही सेम रिस्पेक्ट पादुका को भी देते हुए देखा जा सकता है। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में थे तो उनके छोटे भाई भरत जंगल में उनसे मिलने के लिए आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो अयोध्या लौट चलें और राजपाट संभालें। इस पर श्री राम उन्हें कहते हैं कि वो अपना 14 साल का वनवास काट कर ही वापस लौट सकते हैं। तब भरत उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने बदले में अपने पादुका ही उन्हें दे दें ताकि उनके भक्त पादुका को ही उनका प्रतिनिधि मानकर उनकी पूजा कर सकें। श्री राम मान जाते हैं और भरत बहुत ही श्रद्धा के साथ उनके पादुका अपने सर पर रखकर अयोध्या ले आते हैं और उनके प्रतिनिधि बनकर राजपाट चलाते हैं। एक बेसिक जरूरत से लेकर इमेज, लाइफस्टाइल और एटीट्यूड का प्रतीक बनने तक फुटवेयर ने एक बहुत लंबी जर्नी तय की है। इंडिया हमेशा से कारीगरों की कंट्री रही है और हमारे फुटवेयर बनाने की ट्रेडिशनल कला की वजह से हमें पूरी दुनिया में जाना जाता है। गांव में रहने वाले कारीगरों द्वारा बनाए गए कुछ ट्रेडिशनल फुटवेयर जैसे कोल्हापुरी चप्पल्स, जोधपुर की जरी वाली जूतियां, सिक्किम के इंडो टिबेटियन फेल्ट बूट्स और लद्दाख के वेजिटेबल फाइबर से बने जूते अपने आप में कला का एक अद्भुत नमूना है। ओरिजिनली कोल्हापुरी चप्पल भैंस के चमड़े और धागे से बनाए जाते थे और इनका सोल इतना मोटा होता था कि चप्पल का वजन 2 किलो तक हुआ करता था। शुरुआत में इन्हें कपाशी, पायतान,
कचकड़ी और बाकल नली के नाम से जाना जाता था, जो कि उन गांव के नाम थे जहां ये बनते थे। इन्हें बहुत ही फाइन लेदर से बनाया जाता है और ये बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स, कलर्स और डिजाइन में आती है। ये और बाकी चप्पलों से काफी ज्यादा चलती हैं, क्योंकि इनकी मेकिंग में एक भी कील का इस्तेमाल नहीं किया जाता और इनके ऑयलिंग के प्रोसेस के वजह से धीरे धीरे ये पहनने वाले के पैर का शेप ले लेता है, जिससे ये और कंफर्टेबल बन जाती है। इंतजार के बाद 2019 में कोल्हापुरी चप्पल को GI टैग दिया गया, जिसकी ओनरशिप महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली और सातारा डिस्ट्रिक्ट्स और कर्नाटक के धारवाड़, बेलगाम, बागलकोट और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट्स के पास है। ये GI टैग कोल्हापुरी चप्पलों के कारीगरों के लिए इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट को खोल दिया। काफी बॉलीवुड स्टार्स आजकल कोल्हापुरी चप्पल पहनना पसंद करते हैं। कोल्हापुरी चप्पल आज एक फैशन स्टेटमेंट बन चुका है, जो ट्रेडिशनल आउटफिट्स पे ही नहीं, इंडियन और वेस्टर्न आउटफिट्स पे भी पहना जा सकता है। सिंपल, बेसिक और बिना नखरे वाली कोल्हापुरी के एकदम ऑपोजिट है जूतीज या मोजड़ीज, जो शानो शौकत और लग्जरी का प्रतीक है। मोजड़ी का जन्म मुगल एम्पायर में हुआ, जहां इनको डिफरेंट कलर्स, जेम्स, प्रेशियस पर्ल्स और बहुत सारे गहनों से सजाया जाता था। कहा जाता है कि ये मुगल बादशाह सलीम शाह के समय में पॉपुलर हुई, जिसकी वजह से इन्हें सलीम शाहीज भी कहा जाता है। मोजड़ीज अपने अनोखे ऑर्नामेंटल स्टाइल, शेप और चमकदार रूप के लिए जानी जाती हैं। मुगल काल के बाद मोजड़ी को अमीर जमींदारों, महाराजाओं और महारानियों ने भी पहना, लेकिन राजाओं का शासन जाने के बाद भी जूती नॉर्थ इंडिया, स्पेशली राजस्थान और पंजाब में बहुत पॉपुलर रही। इसके ज्यादातर कारीगर इन्हीं इलाकों में बस गए और उन्होंने इस कला को अपनी आने वाली जनरेशन को पास ऑन किया, जो अपने हिसाब से इसमें वेरिएशंस लाते रहे। ओरिजिनली इसका जो यूज है वो फॉर्मल कपड़ों के साथ ज्यादा किया जाता था, जैसे कि कुर्ता पजामा या औरतों के लिए सलवार कमीज। आजकल किसी भी चीज के साथ पहन सकते हैं, जीन्स हो, ड्रेस हो, वेस्टर्न आउटफिट्स हो, कुर्ता पजामा हो, साड़ी, सलवार सूट। इट्स अ वेरी स्मार्ट कैजुअल वेयर, यू नो, इट हैज ग्रेट यूटिलाइजेशन। फुटवेयर एक ऐसी वेशभूषा है जिसके बिना हर वेशभूषा अधूरी है। इस वेशभूषा का महत्व इतना ज्यादा है कि लोग इनसे इन्हें पहनने वाले की पर्सनालिटी तक को जज कर लेते हैं। ये ना हो तो लाइफ के किसी भी सफर में चलते रहना मुश्किल है। मुश्किल तो हमारे लिए भी बहुत है आपको छोड़ के जाना, पर जाएंगे नहीं तो वापस आएंगे कैसे? नेक्स्ट टाइम ऐसी ही किसी अद्भुत वेशभूषा के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वेशभूषा। लहंगा आज से 2300 साल पहले मौर्य काल में भी पहना जाता था। इसकी उत्पत्ति पुरातन काल में पहने जाने वाले 3-पीस अटायर से हुई। मुगल्स ने कीमती सिल्क और ब्रोकेड से बने लहंगों के दौर की शुरुआत की। राजपूतों के चित्रण और कथाओं में लहंगे के साथ सफेद रंग का एक चौथा कपड़ा भी दिखाई देता है, जिसे पटका कहा जाता था। जगह और कल्चर के हिसाब से इसका रूप बदल जाता है, पर जो नहीं बदलता है वो है इसके लिए महिलाओं का प्यार। Thank you.